साइंस में आज हम लोग ये द्रव्य वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बातें आपसे बोलेंगे। अब देखिए, आधा साइंस हम लोग का, लगभग लगभग आधा साइंस खत्म हो गया है। बात आती है कि मान लीजिए व्हाइट बोर्ड पर आपको हल्का दिखता है, तो अब जितने भी चैप्टर चल रहे हैं ना, इनके जो भी ये लिखे हुए शब्द हैं, पूरी नोट्स टेलीग्राम पर हम अपलोड करते रहेंगे। टेलीग्राम पर आप जा करके वहां से लास्ट में वीडियो देखने के बाद, पढ़ने के बाद, वहां से नोट बनाते रहिए, अपना लिख के तैयार करिए। समझ रहे मेरी बात को? और पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझिएगा, बातें तो होती रहेंगी। द्रव्य एवं उसके गुण, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में द्रव्य कई प्रकार के हैं। ओवरऑल कुल कितने प्रकार के हैं, यहां ज्यादा व्याख्या हम नहीं करेंगे। आप जानते हैं द्रव्य टोटल कितने प्रकार के हमारी प्रकृति में मौजूद है। एक ठोस होता है, एक तरल जैसा द्रव होता है। अब आप द्रव्य और द्रव, इसका मतलब ये मैटर है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं, और ये तो द्रव है, इसे आप जानते ही हैं, लिक्विड। तो आपका ठोस, द्रव, गैस, तीन रूपों में द्रव्य बटा है। समझ रहे हैं, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये आपका लिक्विड जैसा द्रव है, पानी ले लीजिए, तेल है, तमाम चीजें हैं कि नहीं। तो हमारे ब्रह्मांड में, चाहे आप चंद्रमा पर जाइए, सूर्य पर देखिए, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, कहीं पर घूमिए, हर जगह ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, हर एक चीज ओवरऑल तीन खंडों में बटी है। कहीं ठोस मिलेंगी, कुछ द्रव जैसे तरल रहेंगी, और कुछ गैसें। समझ रहे हैं? तो तीनों के भाई, जब इनको हम अलग अलग बांटे हैं, इसका मतलब तीनों का गुण अलग अलग होगा, तीनों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। समझ रहे हैं? पहले एक नॉर्मल तरीके से हम समझाते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए एक डब्बा है, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। अब इसमें जो अणु रखे हैं, ऐसे एकदम पास पास, अणु का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे हम लोग ईंट तोड़ते हैं, ईंट पत्थर जब हम लोग तोड़ते हैं, या लकड़ी को जब आरा मशीन में चीरा जाता है तो महीन महीन बुरादा निकलता है, ईंट तोड़ेंगे तो महीन महीन कण निकलते हैं। सही बात है कि नहीं? ठोस की बात हम कर रहे हैं। तो इसके जो कण रहते हैं, किसके, सॉलिड के, यानी कि ठोस के, एकदम एक दूसरे से सटे रहते हैं, चिपके रहते हैं, एकदम एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, सटे रहते हैं, किसके, ठोस के। कैसे, जब हम लोग ईंट पत्थर तोड़ते हैं तो महीन महीन कंकड़ जैसे उससे निकलते हैं, उन्हीं कंकड़ों को मिलने से, उनके जुड़ने से जाकर के ठोस बनता है। समझ रहे मेरी बात को? जैसे भाई मैग्मा के बारे में आप जानते हैं, ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, नीचे से एकदम तरल द्रव जैसा ईंट पत्थर सब गल करके मैग्मा निकलता है, लोहा है, तमाम चीजें, सोना हो गया, सब कुछ ना धरती के अंदर एकदम तरल पदार्थ जैसा, द्रव जैसा, लिक्विड जैसा, लिक्विड जैसा, एकदम ऑयल की तरह धरती के नीचे मैग्मा के रूप में ये सब जमे हुए हैं। जब ज्वालामुखी फूटता है तो वो सब ऊपर आते हैं, और ऊपर आ करके वही पानी जैसे, जो लोहा हो गया, जैसे खनिजों का, खनिज निकलते हैं, आप लोग जानते हैं ना, खुदाई होती है तो कहीं सोना मिलता है, कहीं तांबा चांदी का कुछ, मतलब खनिज ऐसे निकलते रहते हैं। तो वही चीज है कि ठोसों के जो कण हैं बहुत पास पास होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम द्रव की, किसकी, द्रव की। तो इसके कण जो है ना, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। समझ रहे मेरी बात की? किसके, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, द्रव की। द्रव के कण जो हैं ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। आप लोहा से टकराएंगे ना तो तुरंत सर फट जाएगा। लोहा से अगर आप टकरा गए, ईट पत्थर से टकरा गए, तो भाई कपड़ा फूट जाएगा एकदम से। अब मगर आप पानी से टकराइए, पानी से, और उसके बाद तेल से। जब आप पानी से, तेल से, जैसे हम लोग पहले का था ना, छोटे जब बचपन में था तो हम लोग पूल पर से कूद के नहाते थे, जब नदी उदी में नदी नहर तमाम चीज रहता था ना, तो हम लोग पूल पर से कूद कूद के नहाते थे पनिया में। तो जब कूदते थे तो पनिया में उतना घाव नहीं लगता था। अब आप वही काम करिए, उतना ऊंचाई पर ना, छत पर से कूद जाइए, जितनी ऊंचाई से हम लोग पुल पर से पानी में कूदते थे, आप उतनी ऊंचाई पर से, ठोस सड़क ठोस होती है क्योंकि पत्थरों से बनी हुई है, तो आप उतने ऊंचाई पर से छत पर से कूदिए,
चोट किस पर ज्यादा लगेगी? आप कहेंगे ठोस पर। रीजन क्या है? रीजन इसका बड़ा क्या है, इसके जो कड़ है ना बहुत पास पास है, पानी है, इन सबके कड़ दूर दूर होते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अब वही बात हो एलपीजी गैस सिलेंडर खाना बनाने वाला, गैस एलपीजी वाला गैस नॉर्मल तरीके से ले लीजिए, सब लोग इसका उपयोग करते हैं, तो जो गैसवा है इसका क्या गुण होगा? अभी बताइए आप, गैस में है तो गैस सिलेंडर में भरा रहता है तो एकदम धुआं जैसा फैला रहेगा, आयल की तरह धुआं जैसा फैला रहता है, मतलब कि इसके जो कड़ है, इसके जो कड़ है ये एकदम में दूर दूर होते हैं। आप समझ रहे हैं? साइंस में हम आपसे बोले थे एक बात, 25 चैप्टर ओवरऑल, 25 चैप्टर आप पढ़ लिए, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, ओवरऑल सबका जो साइंस का सिलेबस है पूरे तरीके से कंप्लीट, वर्कशॉप का सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। सरकार जानते हैं, सरकार एक तरह से ठीक है, मान लीजिए वैकेंसियां अलग अलग है, तो ये आपके जो ठोस द्रव गैस है तीनों के गुण अलग अलग है और तीनों मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, मैटर यानी कि द्रव्य। अब देखिए हम और चीजें जानते हैं, एक बात हमको बताइए, आयतन और आकार दो चीज होता है, एक होता है आकार और दूसरा वॉल्यूम यानी कि आयतन। आकार या आकृति, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग जो है हमको माफ करिएगा भैया, हम देखिए क्या है ना कि संस्कृत के टीचर हैं तो इंग्लिश से हमारी कमांड हट चुकी है, बचपन से ही हम संस्कृत में अच्छे अच्छे ब्राह्मण लोग को मात दे देते हैं, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मगर इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है, समझ रहे मेरी बात को? तो बात करते हैं आकार और आयतन की। जैसे वॉल्यूम है, एक लीटर दूध आप लेने जाते हैं, एक लीटर दूध लेने जाते हैं तो वह उसका आयतन है कि नहीं है, है ना आयतन? हाँ। और आकार की बात करते हैं, आकार क्या होता है? आप मान लीजिए कोई ईट है, कोई ईट है जिसको मकान जोड़ा गया, जिससे मकान जोड़ा गया है, कोई ईट है तो उसको आप नापेंगे ना तो 2 फीट लंबा, 3 फुट चौड़ा, कोई ना कोई उसका आकार होता है, ईट या पत्थर का कोई ना कोई उसका आकार होता है। अब पानी है तो पानी में क्या है कि आयतन आकार सब में होते हैं, किसका बदलेगा किसका नहीं बदलेगा, आपको सिर्फ ये समझना है, इसको रटना नहीं है, किसका बदलेगा किसका नहीं बदलेगा। एक बात बताइए, ये जो ईट है, जो पत्थर है, जो कंकड़ है, उसको आप एक बार छत पर रखिए, एक बार आप उसको रखिए भगोना में रखिए थाली में, एक बार आप उसको डिब्बा में रख दीजिए, एक बार आप उसको डक्ची में रख दीजिए, कहीं मतलब रख दीजिए, समझ रहे मेरी बात को, एक बार आप उसको मग्गा में रख दीजिए, बॉटल में रख दीजिए, किसी कंकड़ को ठोस को, उसको आप कहीं पर भी रखेंगे ना, गोली खेलने वाले हम लोग कंचे खेलते थे, गोली गोली को आप कहीं मिट्टी में रख दीजिए या कहीं पर किसी बर्तन में रख दीजिए, न उसका आकार बदलेगा न उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, कुछ भी नहीं चेंज होगा, गोलियां जितना बड़ा रहती है ना उतना ही बड़ी रहेगी, उसके आकार में कहीं परिवर्तन नहीं होगा, ना ही वो गोली अगर इतनी बड़ी है तो इतना बड़ा नहीं हो जाएगी। अगर गोली जो कंचा खिलने वाला कांच रहता है या ईट पत्थर है इतना बड़ा है, उसको आप किसी भी बर्तन में रखेंगे ना तो उसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा, ना उसका आयतन छोटा बड़ा होगा, वो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, ठोसों का जो है आयतन और उनकी आकृति यानी कि आकार, ये दोनों हमेशा क्या करते हैं, निश्चित कांस्टेंट रहते हैं, ये इनमें कोई परिवर्तन कोई भी चेंजिंग नहीं होती, ये कभी चेंज होते ही नहीं है। कौन? ठोस, इनका आकार आयतन हमेशा निश्चित होता है। और हाँ, ये संपीड्यता का गुण, संपीड्य का मतलब आप समझ रहे हैं, संपीड्य होता क्या है, इंग्लिश वाले संपीड्य ना समझे तो इतना सा समझ जाए कि कोई ऐसी वस्तु जिसको हम खींचे ना तो उसका आकार बदल जाए, रबड़ है, रबड़ को आप खींचेंगे तो लंबा हो जाएगी और छोड़ेंगे तो बाठा हो जाएगी, मगर ईट पत्थर है, ईट पत्थर को आप खींच ही नहीं सकते, वह असंपीड्य है, संपीड्यता उसकी क्या होती है, नगण्य होती है, मतलब कि वह संपीड्य नहीं होता। ये सब पेपर के प्रश्न है, समझ रहे हैं? जो ठोस है, लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, वो कभी भी खींच करके उसके आकार में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, जितना ठोस है उतना सोना है तो सोना उतना रहेगा,
आप गला करके ताप दे करके बदलेंगे, तापमान वाली चीजें अलग है, समझ रहे मेरी बात को। द्रव है तो द्रव में देखिए क्या है, आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार बदलता रहता है। इसका मतलब आप लोग समझे, द्रव यानी कि पानी यानी कि तेल, खाना बनाने वाला कड़ुआ तेल हो गया, देसी तेल हो गया, सरसों का तेल रिफाइन हो गया, समझ रहे हैं। ये जो तेल और होता है, दूध पीने वाला है, अब ये सब चीज है तो इसका जिसे आयतन कह रहा है निश्चित होता है। इसका मतलब आप समझे, आप जैसे कहीं गए दुकान पे तेल खरीद के बोतल वाला सरसों का तेल बोतल वाला लेके आए हैं, या आप 1 लीटर दूध लेकर गए, आयतन किसमें नापा जाता है, लीटर में। द्रव का आयतन लीटर में। आप 1 लीटर दूध कहीं से खरीद के लेके आए हैं और दूध को आप लेकर के आए हैं लोटा में, किसमें, लोटा में। अब उसको आप रख दिए कैंटीन में, मग्गा में, गमला में, गिलास में, उसी दूध को। तो आप दूध हवा को किसी चीज में रखेंगे ना, कुकर में रख दीजिए, जिसमें रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। गिलास में रखेंगे तो लंबा हो जाएगा, बगुना में रखेंगे तो फैल जाएगा, थाली में रखेंगे तो और फैल जाएगा। जिस बर्तन में आप उसको रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। मतलब क्या हुआ, द्रव का आकार यानी कि आकृति बदलती है। अब 1 लीटर दूध है तो ऐसा नहीं है कि आप तौल के 1 लीटर दूध लाए हैं तो पलट देंगे तो पावर हो जाएगा, उसका आयतन नहीं बदलेगा। लीटर जो है आयतन, वॉल्यूम जो है, कभी चेंज नहीं होगा। जितना दूध आप खरीद करके लाए थे आयतन जो लीटर, उतने लीटर रहेगा, बस उसका आकार बदलेगा, जो बर्तन में रखेंगे वही बर्तन का रूप ले लेगा, समझ रहे हैं। तो ये द्रव का वॉल्यूम यानी कि आयतन यानी कि लीटर, कई लीटर दूध था, कई लीटर तेल था, वो तो निश्चित रहेगा, मगर उसका आकार बर्तन में जैसा रखेंगे उसी हिसाब से बदल जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। इन सब चीजों को आप पढ़ चुके हैं, बस ये कि काफी लंबे समय से आपको हो सकता है छूटा हो, समझ रहे हैं। फिर देखिए, ये द्रवों का घनत्व ठोसों से हमेशा कम होता है। वो तैरने वाली बात हो गई, किसकी बात हो गई, तैरने वाली, जिसका घनत्व कम होता है वो तैरने लगता है। अभी बताइए, लोहा है, लोहा का घनत्व पानी से ज्यादा है, लोहा जो है ठोस सॉलिड, इसका घनत्व द्रव से लिक्विड से ज्यादा है, तो जिसका घनत्व ज्यादा है उसको ये थाम पाएगा, पनिया है जैसे, समझिएगा समझिएगा। ये आपका जो है वाटर है, क्या है, वाटर है। पानी का घनत्व मान लीजिए 1.33 है, कितना है 1.33। ऊपर से हम एक तो लोहा का गेंद गिरा दिए, कौन लोहा, पत्थर गिरा दिए, ऊपर से पत्थर गिरा दिए। अब इसका घनत्व मान लीजिए 3.2 है, कितना है 3.2। ठोस वाले का घनत्व द्रव से हमेशा ज्यादा होता है, और घनत्व इसका ज्यादा है ना, तो जब ये पनिया पर गिरेगा तो आके डूब जाएगा, उस पर टिकी नहीं पाएगा। कमजोर लड़का बड़ लड़का को कभी संभाल नहीं पाएगा, कमजोर पहलवान है तो बड़ पहलवान को कभी अपने ऊपर टांग नहीं पाएगा। अब आप 50 किलो के हैं, 1.5 क्विंटल वाले को अपने सर पे टांग लेंगे, आप इतने से सोचिए कि आप 85 किलो के हैं और 1.5 क्विंटल का आदमी को अपने सर पे टांग लेंगे, क्योंकि उसका आयतन घनत्व तो सब जाता है, समझ रहे हैं। मेन चीज यही है कि लोहा जो ठोस का घनत्व तो द्रव से ज्यादा होता है, इस वजह से वह क्या करता है, डूब जाता है, वह इस पर टिक नहीं पाता, समझ रहे मेरी बात को। बादलों वाला यही चीज है कि बादल तैरते रहते हैं, तमाम चीजें आएंगी अभी आपको, इसलिए हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब द्रव का घनत्व तो भाई जो है ठोस से कम होता है, ये तो बात सही है, गैस का वो से कम होगा, गैस का तो एकदम में कम होगा। आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता, मतलब इसका आकार आयतन कुछ निश्चित नहीं होता। एक तो था उसका दोनों निश्चित था, दूसरका वाला था उसका आयतन लीटर तनी मनी निश्चित था, तीसरका वाला जो है ना उसका लीटर है निश्चित है, न आयतन निश्चित है और न उसका आकार निश्चित है। किसका, गैस का। क्यों, जब गैस को हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करते हैं ना, तो तनी मनी गैस वह उड़ जाता है। एलपीजी गैस आप देखे हैं कि नहीं, एक बात बताइए, एलपीजी गैस देखे हैं कि नहीं, एलपीजी गैस को तनकों से मौका मिलता है तो फुर्र उड़ जाता है, उसका आकार आयतन सब बदलता रहता है और एकदम फैला रहता है, जैसे मन तैसे एलपीजी गैस जो है एकदम पूरे तरीके से उस बर्तन में फैल जाता है, टंकी में एलपीजी वाले में।
तो वही कह रहा है कि गैसों का जो आकार और आयतन कुछ निश्चित नहीं होता। आयतन का मतलब 5 लीटर 5 किलो गैस आप भरा के लाए, कितना 5 किलो गैस। अब 5 किलो गैस भरा हुआ मगर उसको निकालने में खोलने में लगाने में थक जाता है, उसका आकार आयतन सब बदलता रहता है और एकदम फैला रहता है। जैसे मन तैसे एलपीजी गैस जो है एकदम पूरे तरीके से उस बर्तन में फैल जाता है, टंकी में एलपीजी वाले में। तो वही कह रहा है कि गैसों का जो आकार और आयतन कुछ निश्चित नहीं होता। आयतन का मतलब 5 लीटर 5 किलो गैस आप भरा के लाए, कितना 5 किलो गैस। अब 5 किलो गैस भरा हुआ मगर उसको निकालने में खोलने में लगाने में थोड़ा बहुत उसमें से निकल जाता है, समझ रहे मेरी बात को? वही चीज है कि इसका आकार आयतन कुछ निश्चित नहीं होता। और ये किसके कण पास पास होते हैं, किसके दूर दूर होते हैं, ये तो आप समझ गए। अब देखिए ठोस द्रव गैस हो गए, अब ये नियम कुछ दिए गए हैं, गैसों के नियम हैं, बायल का है, चार्ल्स का है, गैलुसाक का है और उसके बाद लास्ट में आपका अवोगाद्रो का है। ये चार वैज्ञानिक है, चारों एक नियम दिए हैं, इन चारों के नियम को जब आपस में मिला देंगे तो लास्ट में एक आदर्श गैस समीकरण का नियम बनता है। इसके नियम को, इसके नियम को, यानी कि बायल और चार्ल्स के नियम को और गैलुसाक अवोगाद्रो, ये चारों वैज्ञानिक के नियम जो है ना, ये सब लगभग एक बतिया कहे थे, घुमा फिरा के अलग अलग नियम दिए थे। तो चारों को मिला करके जो संयुक्त रूप से एक नियम बनता है जिसे हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। इसका मान क्या है, पीवी बराबर एन के टी, पीवी बराबर एन के टी। अब ये जो के है ना, ये एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जिसका मान 6.023 × 10³³, इसको हम कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। हो सकता है पेपर में आ जाए, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, आपको फार्मूला पता है और सूत्र पता है। पहले हम लोग समझते हैं कि ये बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक और अवोगाद्रो, इन चारों का नियम क्या है। एक लोग क्या किए ना, ये जो है ताप को स्थिर मान लिए, जैसे में 30 डिग्री सेल्सियस ताप मान लिए, ये क्या किए ना 30 डिग्री सेल्सियस ताप मान लिए, अब एक तरफ एक गैस ले लिए, दूसरी तरफ एक गैस ले लिए। समझिएगा मेरी बात को, क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए ये चैप्टर जो है ना पूरा साइंस बहुत ही आसान है, बस आपको बार बार बोलेंगे ना 25 चैप्टर, आधा साइंस खत्म हो गया है, 25 चैप्टर और है। यदि आप 25 चैप्टर पढ़ लेते हैं ना तो पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। देखिए क्या है, हम किसकी बात कर रहे थे, हाँ ये देखिए यहां पर मान ले रहे हैं ताप जो है कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर है, इधर ताप स्थिर है, ताप को कैपिटल टी से दर्शाते हैं। इधर मान लेते हैं एक बार एक लोग क्या किए हैं, दाब को स्थिर मान लिए हैं, एक व्यक्ति थे ताप को स्थिर माने, एक व्यक्ति दाब को माने। होता क्या है, अब मान लीजिए कोई गैस है, क्या है कोई गैस है, कह रहे कि स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा 5 किलो गैस, मान लीजिए उसका मात्रा द्रव्यमान 5 किलो है, ये भी मान लीजिए 5 किलो है, दो गैसें अलग अलग जगहों पर रखी गई हैं, उनका जो दाब है उनके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन पर हम दाब लगाएंगे, क्या लगाएंगे दाब, तो जो आयतन है ना वो क्या करेगा, घटेगा। मतलब आप समझे, व्यवहारिक जीवन से बस आप जोड़िएगा, आपको कुछ यादें नहीं करना है, व्यवहारिक जीवन से। मान लीजिए आप सोकता तकिया लिए हैं, तकिया जो अपने मुर्तारी लगाते हैं सर पे, तकिया लिए हैं, वो तकिया इतना बड़ा सा है, आप उसको अब इतना बड़ा है तो इतना आयतन छेक लिया है, इतना आयतन घेरा हुआ है, और उसको आप दबाइए, दाब को बढ़ाइए, आप उसके दाब को बढ़ाइए। जब आप दाब बढ़ाते हैं ना तो तकियावा छोट होती जाती है, जो तकियावा है छोटा होती जाती है। इससे क्या निष्कर्ष निकला, जैसे हम दाब को बढ़ा रहे थे, बल लगाए खूब दाब रहे हैं, दाब जैसे जैसे बढ़ाए तकियावा का आयतन वैसे वैसे घटते गया। समझे आप इसके मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जब दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। वो कैसे आप समझ गए, तकिया था उस पर हम दाब बढ़ाए तो आयतन अपने आप घटा, इतनी बड़ी तकिया थी, अब इतना बड़ा तकिया थी स्वतंत्र मस्त इतना पड़ी थी, अब उसको हम दबाने लगे, दाब बढ़ाने लगे, आयतन घटने लगा। ये नियम किसका है, बायल का नियम है। आप समझे कि नहीं समझे, पूरे तरीके से आप समझ गए।
फिर है चार्ल्स का नियम। अब ये देखिए चार्ल्स क्या कर रहे हैं, ये तो आपके जो है ना ये क्या किए थे, ताप को स्थिर किए थे, अब ये क्या किए दबाव को स्थिर, दाब को स्थिर कर दिए, ये दाब को स्थिर कर दिए, कौन आपके चार्ल्स महोदय, समझ रहे हैं। तो ये देखिए क्या करते हैं, जब ये निश्चित किए ना तो भी समानुपाती टी, भी समानुपाती टी बताए। अब ये आप याद करेंगे तो बताइए कैसे, कैसे याद करेंगे, हम बताते हैं, देखिए समझिएगा, बहुत आसान है, एकदम नॉर्मल है, बस समझिएगा। 30 डिग्री सेल्सियस ताप है, कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, कड़ाके की गर्मी है 40 डिग्री सेल्सियस ताप है, कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और जाड़ा का सीजन था, तापमान कितना था 20 डिग्री सेल्सियस। अब मेरी बात को आप समझेंगे, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। अब देखिए हम लोग कहते हैं ना गर्मी में ट्रेन का पटरिया फैल जाती है, गर्मी में जो ट्रेन की पटरिया रहती है फैल जाती है, काहे बताइए क्यों, कहते हैं जब तापमान बढ़ता है तो कोनो चीज या पिघलती है, कहते हैं कि नहीं तापमान बढ़ता है तो कोनो वस्तु पिघलती है, बर्फ है इतने बड़ा है, जैसे बर्फ है आप क्या किए एक तो थाली लिए, इस थाली में इतना बड़ा बर्फ रख दिए, बर्फ का सिल्ली जो है ठोस जो बर्फ होता है, इतना बड़ा ठोस सिल्ली रख दिए, अभी कितना आयतन घिरा है, आयतन इसका कितना है, आप कहेंगे इतना है, इतना इसका आयतन है। अब क्या हुआ कि गर्मी का महीना आ गया, या उसको खौला दिए या गर्म कर दिए, उसको तापमान बढ़ा दिए, तापमान बढ़ा दिए, और जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे ना ये फैल करके पनिया ऐसे हो जाएगा, ठोस से द्रव में बदल के फैल जाता है, होता है कि नहीं होता है। और सब लोग पढ़े हैं कि ट्रेन की पटरी जो रहती है गर्मिया में वो क्या करती है, फैलती है, क्यों फैलती है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे आयतन बढ़ता है, और कैसे बढ़ रहा है ये तो आप अच्छे से समझ गए, हेजो से समझ गए, हेजो से समझ गए। ये बताइए आपको कभी याद करना है, चीजों को जो है ना रटना नहीं चाहिए, चीजों को कभी लाइफ में रटना नहीं चाहिए। हम नॉर्मल तरीके से इसको पैक करके बोल दिए आपसे कि भैया एक बात बताइए, जो है कौनो वस्तु है जाड़ा में इतना जगह छेका हुआ है, कौनो चीज है जाड़ा में ठोस है इतना जगह छेका है, तो बताइए गर्मी में ज्यादा करेगा कि कम, तो आप कहेंगे गर्मी में फैलता है, कौनो चीज गर्मी में क्या करता है फैलता है, और जाड़ा में सिकुड़ता है, आप सोते हैं तो खुद सिकुड़ के सोते हैं, अपने देखिए गर्मी में मारेंगे टांग फांग फेंक फाक के एकदम ताव से सोएंगे, तो आयतन बढ़ जाता है, गर्मिया में आयतन बढ़ जाता है, और जब जाड़ा आएगा सुकुड़दुम की तरह एकदम सिकुड़ के सो जाएंगे, तो आयतनवा क्या करता है घट जाता है। यही प्रकृति का नियम है कि ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, समझ रहे हैं, और दाब बढ़ने पर आयतन घटता है, कैसे, जब तकियावा पर हम दबाव डाल के दाब बढ़ा रहे थे तो उसका आयतनवा घट रहा था, यही मेन चीज है। फिर गेलू साहक महोदय आ गए, ये दो लोग अपना बात अपना अपना मत रख लिए, फार्मूला याद रखिएगा, ये जो संबंध है P1 V1 बराबर P2 V2 और V1 बटा के V2 बराबर T1 बटा के T2, इनको आप याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि यहां से हो सकता है छोटी सवालें आ जाए। गेलू साहक महोदय क्या किए ना, ये कहे कि जो है स्थिर आयतन, भाई एक लोग ताप स्थिर किए, एक लोग दाब स्थिर किए, दाब का मतलब P होता है, दाब का मतलब P स्थिर हो गया तो इनमें परिवर्तन हुआ था। अब ये क्या किए ना कि तीसरे व्यक्ति जो है ये आयतन को स्थिर कर दिए, तीसरा व्यक्ति जो है आयतन को स्थिर कर दिए, कौन गेलू साहक। अब देखिए मजा आएगा, ये कह रहे कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा की गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, इसका मतलब आप क्या समझे, दाब जो है वह ताप के समानुपाती है, मतलब इसका आप समझे कि गर्मियों में दबाव जो है अधिक डाला जा सकता है, गर्मियों में किसी भी वस्तु पर दबाव अधिक डाला जा सकता है, क्योंकि वह अंदर से ना फैली रहती है, अंदर से वह फैली रहती है, गर्मी के सीजन में कौनो व्यक्ति या आदमी लुंज पुंज रहते हैं, जाड़ा में खा पी के टाइट रहते हैं, तो वही कह रहा है कि गर्मी में जब तापमान बढ़ाएंगे
तापमान 30 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो उस हिसाब से दाब भी बढ़ जाएगा। ज्यादा गर्मी में आप किसी को ज्यादा दबा सकते हैं क्योंकि वो लुंज पुंज रहता है, कौनो लकड़ी उकड़ी वस्तु है, कोई भी चीज है, सोखता उखता गर्मी में उसमें थोड़ा सा मतलब उस टाइप का एक मतलब उमस टाइप का या गला हुआ पिघला हुआ, वो अपने आप पिघला हुआ रूप में रहता है, उतना कड़ा नहीं रहता। समझ रहे मेरी बात को? जैसे होता है ना कोनो चीज को हम तापमान देते हैं पॉलिथीन रहता है, ऐसे ही समझिए नॉर्मल तरीके से पॉलिथीन है। पॉलिथीन गर्मिया में थोड़ा लूज रहता है, टेढ़ा मतलब थोड़ा गला टाइप का रहता है, तो उस पर आप दाब अधिक डाल सकते हो, वो आराम से तोड़ देंगे उसको, दबा देंगे बढ़िया से। कोनो पाइप रहती है फाइबर की, तो जब उसको हम क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं ना, तब दाब डालते हैं तो प्रभावित होता है, तब उस पर हम बढ़िया से दाब लगा पाते हैं। अब एकदम टाइट है फाइबर वाली पाइप जो हैंडपंप के नीचे लगाई जाती है, अब वो एकदम टाइट है, तो उसको आप कितनों दबाएंगे ना कोनो फर्के नहीं पड़ेगा। और उसको तापमान बढ़ा देंगे, जब उसका तापमान बढ़ा देंगे तब दबाएंगे तो फर्क पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि ताप बढ़ने पर दाब बढ़ता है। समझ रहे मेरी बात को? ये भी फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। लास्ट में गैलुसाक महोदय ये सबसे अलग है बात कर दिए, ये तो तापे दाब में ये लोग मस्त थे, ये उसके मतरवे से खिलवाड़ कर दिए। 5 किलो ये से, ये 5 किलो की वस्तु है तो उसके वस्तुए से खिलवाड़ कर दिए। ये क्या कहे कि ऐसा मान लीजिए कि ताप और दाब दोनों स्थिर है, ऐसा मान लीजिए कि ताप और दाब दोनों स्थिर है, तो कौनो वस्तु है जिसका आयतन समान है। समझ रहे हैं? 1 लीटर तेल, देखिएगा समझिएगा, ताप जो है स्थिर है कांस्टेंट है, और उसके बाद आपका दाब दाब है, हाँ दाब दाब भी जो है यह भी स्थिर है। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, तब इधर लिए हैं 1 लीटर तेल, खाना बनाने के लिए 1 लीटर तेल, इधर क्या किए हैं 1 लीटर पीने के लिए दूध लिए हैं। समझ रहे हैं? तो दो चीज है, जब ताप और दाब समान रहेंगे ना तो इनके अंदर के जो अणु थे, हाई जो अणु है ना वो एक बराबर खंड में टूटे रहते हैं, उनकी संख्या भी समान रहती है। अगर तेल में कुल 165 अणु है, तेल में यदि 165 अणु है तो दूधों में कितने अणु रहेंगे? 165 रहेंगे। कब? जब ताप और दाब दोनों स्थिर रहेगा। यही नियम किसका है? अवोगाद्रो का नियम है। समझ रहे मेरी बात को? आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब ताप और दाब स्थिर हो, 1 लीटर तेल आप लिए हैं, 1 लीटर दूध लिए हैं, दोनों का मात्रा यानी कि आयतन समान है, ऐसी स्थिति में अगर ताप और दाब समान रहेगा तो इसमें 165 अणु छोटे छोटे रहेंगे ना, तो इसमें भी कितने रहेंगे? 165 है रहेंगे। यही जैसे है ना भी समानुपाती एन, लास्ट में सबको मिला करके आदर्श गैस समीकरण पी बराबर एन के टी बनता है। इतनी चीजों को आप उतार लीजिए, बाकी चीजें लेकर आते हैं। देखिए जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं उनको थोड़ा समझ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है किस प्रकार से होता है, ये सब चीजें व्यवहारिक तरीके से जुड़ी हुई है, बस आपको समझना है। देखिएगा, ठोस से द्रव, इसका मतलब आप समझे ये जो बर्फ की सिल्ली रहती है, जो बर्फ रहती है, बर्फ गलती है, क्या करती है? इसका गलन होता है और गलने के बाद पानी बन जाती है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग करते हैं, है कि नहीं? एक अलग होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, 500 अरे 80 कैलोरी अलग है, 540 कैलोरी अलग है, वो उष्मा गतिकी का पार्ट है, वो जो है उष्मा गतिकी में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बस इसको समझना है कि ठोस वाला जो बर्फ था वो किस में बदल गया? गल करके गलन में, मेल्टिंग में, द्रव में बदल गया। जैसे होता है ना फ्रिज में जो पानी बॉटल का रखा रहता है, कभी कभी वो बर्फ जम जाती है, फिर उस बाद में छोड़ दिया जाता है फ्रिज से निकाल के, तो वो गल करके द्रव बन जाती है, पानी बन जाती है। तो इसे हम कहते हैं ठोस से द्रव का परिवर्तन जो होता है उसे गलन कहा जाता है, यानी कि मेल्टिंग। उसके बाद पानी कभी कभी ठोस बन जाता है। अब वो पनिया जो बोतलवा में रखा था फ्रिज में, वो क्या बन गया था? बर्फ बन गया था, बर्फ ठोस। समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं पानी का जमना,
कोई भी चीज हो, अगर आप फ्रिज में रख दीजिए या ठंडे क्षेत्रों में आप जाते हैं ना, तो ठंडे क्षेत्रों में कौन चीज रहता है पूरा जम जाता है, पानी होनी है अगर दही वही भी है सब एकदम जम जाएगा, समझ रहे हैं, ठंडे क्षेत्र में। तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, यानी कि जमना। किसको? द्रव आयल है, लिक्विड है, वह किस में बन जाएगा, सॉलिड में, ठोस में। फिर द्रव से गैस, इसका मतलब आप समझे द्रव से गैस क्या होता है, जैसे कि गर्मी में देखते हैं कि तालाब का नदी का पानी सूख जाता है, आप लोग देखे होंगे गर्मियों में तालाब का नदी का नहर का पानी झील का सूख जाता है, डाउन होने लगता है, घटने लगता है, ऊपरिया भाप बन के उड़ता है, क्या बन के, वाष्प, भाप बन करके उड़ता है। तो वही चीज जो है ना वो वाष्पीकरण होता है, जो कि वेपोराइजेशन जो है उसका वाष्पीकरण होता है। पानी तालाब वाला गर्मी के दिनों में द्रव रहता है, लिक्विड रहता है, मगर वाष्प बन जाता है, गैस बन जाता है। और गैस बन के हमारे सामान्य तालाब का पानी उड़ के खाली हो जाता है, हम लोगों को पता चलता है, दिख भी नहीं करता है, समझ रहे। फिर गैस से द्रव, इसका मतलब आप समझे, देखे होंगे जब कुकर में खाना बनता है, कुकर में जब हम लोग खाना बनाते हैं तो वो या तो भगोना में चावल बनाते हैं, कुकर में चावल बनाए चाहे भगोना में कुछ में बनाइए, तो पनिया पहले वाष्प बन के उड़ता है, पहले पनिया जो है वाष्प बनता है, अब बीच में वाष्प बन के उड़ रहा है, और लास्ट में जो तली से हम उसको ढके रहते हैं उसमें फिर जाकर के द्रव पानी बन जाता है। अब ये बीच वाला जो गैस था, कुकर की सीटी मारते हैं तो गैस निकलता है कि नहीं निकलता है, और वो गैसों पर हाथ रख दीजिए, कुकर की सीटी जो गैस मारती है, अब उसके ऊपर आप हाथ रखिए, वो गैस जब आपके हाथ में जाती है ना तो हथवा में पानी जैसा चिपचिपा हो जाता है, तो वही गैस जाकर के द्रव बन जाती है, लिक्विड बन जाती है, समझ रहे मेरी बात को। ये सब चीजें आप जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन। जाड़ा के सीजन में जो ओस पड़ती है, जानते हैं ना, जाड़ा के सीजन में शाम को ओस पड़ती है, सुबह ओस पड़ती है। बाइक आप खड़ा किए रहिए अगल बगल कहीं, आप आधा घंटा बाद जाएंगे तो बाइकिया का पूरा गदिया भीगा रहता है, सीटी पूरा भीग जाती है, क्योंकि ऊपर का जो पानी वाष्प बन के आ रहा था, जो पानी भाप बन के आ रहा था, वो वाष्प यानी कि वह गैस जब बाइक की सीट पर पड़ी, जब हरी भरी घासों पर पड़ी, तो द्रव बन गई, पानी बन गई, लिक्विड बन गई, समझे आप मेरी बात को। इसको हम क्या कहते हैं, संघनन, समझ रहे हैं, ये आपका संघनन है, कंडेंसेशन हो गया। अब फिर आपका ठोस से गैस ऐसे ही है, जिसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। नौसादर का नाम सुने होंगे आप लोग, पढ़े होंगे, पेपर में प्रश्न आता है, इन सबके एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिस सेट में हल्का फुल्का हम कराएंगे तो कराएंगे, मगर ये आपको बार बार कहेंगे, यदि आप किताबें नहीं पढ़ेंगे ना तो हमारे साथ, हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, आप अपने साथ धोखा करेंगे। बिना प्रैक्टिस के आप सोचे कि 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख लड़कों में आप पेपर निकाल ले तो ये क्लास से नहीं निकलेगा। क्लास से हम आपको ये तमाम चीजें हैं पूरे तरीके से समझा दिए, मत दिए कि आप एकदम, आपके लिए एकदम आसान हो गया। किताब आप पढ़ेंगे तो सब लगेगा नहीं हाँ ये पढ़े, ये जानते हैं, ये भी पढ़े, ये भी जानते हैं, आपको सब लगेगा कि नहीं जानते हैं। उसी को कहा जाता है प्रैक्टिस करना, उसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से स्पीड आती है, टाइम बचता है, चीजें याद होती हैं, पक्के तरीके से याद होती हैं। और ये गवर्नमेंट जॉब नौकरी लेना है, दूसरी जिंदगी आप लोगों को लेनी है, नौकरी लगना मतलब दोबारा जन्म लेना, दोनों बराबर है आज के समय में इंडिया में, समझ रहे मेरी बात को। इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिस सेट है, किताब को बढ़िया से पढ़ना है, उसमें एग्जाम्पल दिए रहते हैं उनको समझना है, फिर ऑब्जेक्टिव रहेंगे उनको लगा करके प्रैक्टिस करना है, तब जाके मेहनत, आप 8 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे रोज पढ़ेंगे ना तो पेपर निकलेगा आपका 30 के 30 दिन, समझ रहे हैं। फिर जो है मैटर की अवस्थाएं कितनी है, द्रव्य की अवस्थाएं, शुरू में हम लोग पढ़े हैं 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, समझ रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी पर 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस मुख्य रूप से हो गई, या ब्रह्मांड में कह लीजिए, मगर 2 ठो और अवस्था का खोज हुआ है ब्रह्मांड में। पृथ्वी पर तो 3 है, मगर ब्रह्मांड में 2 ठो और अवस्था का खोज हुआ है, कौन सा, प्लाज्मा, द्रव्य की चौथी अवस्था, जो कि बहुत ऊर्जा से भरपूर होती है। प्लाज्मा
यहां से प्रश्न बनता है प्लाज्मा के बारे में, आप लोग या तो नेट से पढ़िएगा या तो बुक से पढ़िएगा। यहां से जब हम प्रैक्टिस सीट में लाएंगे तब बता सकते हैं, आप पता नहीं भूल गए हमारा कोई गारंटी नहीं है, मगर प्लाज्मा के बारे में आप पढ़िए। बोस आइंस्टीन जो कंडेंस, ये आपका कंडेंसेट है, इसको पढ़िए। ये आपका जो है ना द्रव्य की अवस्थाएं, अवस्था में परिवर्तन और द्रव्य की अवस्थाएं, ये हो गया। उसके बाद देखिए द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, द्रव्य को कितने खंडों में बांटा गया है। प्रकार अलग है, बंटवारा हम इंसान किए हैं, इसका बंटवारा हम इंसान किए हैं। कैसे? ये तो प्राकृतिक रूप से था ना, ये ठोस द्रव्य से प्राकृतिक तौर पर दिया हुआ है, सामने जो दिख रहा है। बाकी हम लोग बांट भी दिए हैं, बांटे कैसे हैं, एक को कह दिए मिक्सर, मिक्सर मिक्स है, कुछ मिला दीजिए, दही दही चूड़ा, आप गेहूं चावल कुछ मिला दीजिए, आप नमक पानी कुछ भी मिला दीजिए, चीनी उनी, तो इसको मिक्सर कहा जाता है, मिश्रण। एक है शुद्ध पदार्थ, क्या है शुद्ध पदार्थ। ये देखिए किसी हेड ऑपरेटर में अलग से एक चैप्टर बन गया है, कोई आपका वर्ग साम में अलग से चैप्टर बन गया है, जबकि हम बार बार कहते हैं कि चीजें सब एक ही है, इसको अलग से एक चैप्टर बनाकर दूसरे वाले में डाल दिया है, समझ रहे हैं। तो देखिए मिक्सचर जो है ना दो प्रकार का है, एक होमोजीनियस है, समांगी है, दूसरा क्या है विषमांगी है। जबकि शुद्ध पदार्थ जो है यह तत्व और यौगिकों में बता है, किसमें, तत्व और यौगिक में, धातु अधातु उपधातु, फिर कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। द्रव्य का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण जो हम इंसान किए हैं, एक मिक्सचर है जैसे मन तैसे मिला दिए एकदम लापरवाही से, कुछ नापे तौले नहीं, और एक प्योर शुद्ध पदार्थ है, दोनों में अंतर है। ये जो मिक्सचर है मिश्रण है, यह दो तरीके से होता है, कौन सा, एक समांगी है होमोजीनियस और दूसरा है विषमांगी, आप जानते हैं, बताइए कैसे। समांगी के बारे में, होमोजीनियस के बारे में आप क्या जानते हैं, जब पानी में हम लोग चीनी मिला के घोल करते हैं ना तो चीनियां दिखबे नहीं करती है, पानी में जब चीनी मिला देते हैं और वो पूरा घोल एक जैसा दिखे, पूरा एक जैसा दिखे, उसमें ना चीनी अलग से ना दिखे, पानी अलग से ना दिखे, तो वो समांगी होता है, पूरा घोल एक जैसा लगता है। इसमें क्या होता है कि वो घुल ही नहीं पाएगा, वो अलग रहेगा, कैसे देखिएगा, जैसे मैं आपका ना दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिक्सचर बनता है, यह दो प्रकार का होता है। समांगी ऐसा मिश्रण जिसमें सभी घटक इस प्रकार मिले हो कि पूरा मिश्रण एक जैसा दिखे, जो मिश्रण की परिभाषा थी मिक्सचर की, तो तत्व यौगिकों को आपस में जब मिक्स कर दिए, तत्व और यौगिकों को जब आपस में एकदम मिला जुला दिए तो बनता था मिश्रण। अब वह मिश्रण दो प्रकार का, एक पूरे तरीके से घुला हुआ एक जैसा दिखेगा, और एक जो है वो घुल ही नहीं पाएगा, वो अलग दिखेगा। दोनों का एग्जाम्पल पेपर में आएगा, अब आपको पढ़ना पड़ेगा तभी तो पेपर में आप करेंगे, है कि नहीं। देखिए क्या है, विलयन है और हवा है। विलयन का मतलब ऐसा रख लीजिए कि दूध में आप कौन चीज मिला दीजिए, पानी मिला दीजिए, दूध में पानी मिला दीजिए तो वो बन गया विलयन, पनिया दिखेगा। दूध में यदि आप पानी मिला देंगे तो पानी दिखेगा, आप कहेंगे नहीं दिखेगा, तो वो क्या हो गया, समांगी मिश्रण, पूरा विलयन एक जैसा दिखे। हवा है, हमारे ब्रह्मांड में आमने सामने हवा पता नहीं चलेगा कौन लू है और कौन ठंडी है, सब आपस में मिक्स है, सामने हवा बह रही है, कान पे लग रही है, बाल उड़ रहा है, मगर हवा दिख ही नहीं रही है, क्योंकि सब पूरा एक जैसा है, समझ रहे हैं, इसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। और हवा में जानते हैं कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कुल कई तो तत्व यौगिक मिले हैं, किसमें, हवा में, तो हवा क्या है, मिश्रण है, यौगिक नहीं है, मिश्रण है, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, बहुत सी गैसें मिली हुई हैं। तो अगर विकल्प में आ गया, कभी प्रश्न आ गया कि हवा यौगिक है कि मिश्रण, अब आप देखे ऑक्सीजन, आप देखे ऑक्सीजन उड़ा दिए तत्व, मार दिए तत्व तो गए काम से। हवा जो है अगर ओटू देगा अलग बात है, अगर हवा देगा तो तत्व नहीं है, क्या है, मिश्रण है। कैसे, क्योंकि हवा में कई तत्व यौगिक आकर के घुले हुए हैं,
समझ रहे मेरी बात, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.3% आर्गन है, ऐसे सब चीजें घुली हुई है, समझ रहे हैं। विषमांगी मिश्रण क्या है, जल में बालू का घोल। अब बताइए पानी में आप बालू मिला पाएंगे, बलुइया छन के अलग हो जाएगी। पानी में अगर आप बालू मिलाएंगे तो बलुइया अलग हो जाएगी। और नमक, पानी में अगर आप नमक मिलाएंगे, जब तक घोले हैं तो नमकवा घुला रहेगा, पनिया को गर्म कर दीजिए, पनिया उड़ जाएगा, नमकवा नीचे ही रह जाएगा। पानी को जब गर्म करेंगे तो पनिया उड़ जाएगा और नमक नीचे ही रह जाएगा। तो ये क्या हुआ, विषमांगी न हुआ, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। फिर पनिया में आप क्या किए ना, चीनी मिला दिए, पनिया में आप चीनी मिला दिए, तो जब चीनी मिलाएंगे फिर आप क्या करिए, उसका सिर्रा बन गया, रस्सा बन गया, फिर गर्म कर दीजिए। फिर गर्म करेंगे पनिया उड़ जाएगा, चीनिया रह जाएगी, पनिया उड़ जाएगा फिर चीनी रह जाएगी। तो ये क्या हुआ, विषमांगी हुआ। जबकि दूध है, दूध में अगर आप पानी मिला दिए ना तो दूधवा पनिया सब उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि दूध उड़ जाएगा पनिया नीचे में रह जाएगा, वो नहीं होगा, इसलिए वो असमांगी था। फिर तेल का घोल, अब सरसों का तेल पानी में मिलाएंगे तो तेलवा ऊपर तलिएगा, कभी घुल पाएगा, नहीं घुल पाएगा, इसलिए यह क्या है, विषमांगी है। ये चैप्टर के लगभग 70% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये जो है ना एक अलग चैप्टर बनता है, किसी किसी के एग्जाम में जैसे कि हेड ऑपरेटर का अलग सिलेबस इसी में से निकाल दिया गया है, असिस्टेंट ऑपरेटर का अलग निकाल दिया गया है, तो ये जो है एक अलग चैप्टर बन जाता है। धातु अधातु उपधातु कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, तो इन्हें हम अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे। आज जो आपका ये द्रव्य था पूरे तरीके से द्रव्य खत्म हो गया, प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया से, तब तो पेपर निकलेगा, हम पहले ही कहेंगे, ठीक है ना, जम के पढ़िए आप लोग।